और आज का अहम दिन रहा आरबीआई पॉलिसी का। होम और दूसरे लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। दरअसल आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आज के फैसले के बाद रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रहेगा। मतलब यही कि होम कार समेत तमाम तरह के लोन पर आपकी मंथली ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा आरबीआई ने जीडीपी अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई पॉलिसी की और क्या क्या बड़ी बातें रही हैं, बता रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। वेल, एक बार फिर जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, रेपो रेट नहीं बदले गए हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया रेट्स को लेकर, और यही उम्मीद भी थी। वेल, कुछ खास बातें जो यहाँ पर निकल कर आई, ऑफकोर्स ये कहा गया है कि इंडिया ग्रोथ इंजन की तरह उभर कर आ रहा है पूरे विश्व में। हमारी ग्रोथ और इकोनॉमी काफ़ी रिजिलियंट है, जो एक्सटर्नल शॉक से हम उससे बहुत अपने आप को अच्छे से अब तक डील कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आरबीआई ने कुछ जो बातें कही, जहाँ जहाँ कंसर्न्स हैं उनके बारे में अगर हम बताएं, तो डिक्लाइनिंग कोर इन्फ्लेशन आरबीआई ने कहा एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन हेडलाइन सीपीआई अभी भी वल्नरेबल है और रेकरिंग और ओवरलैपिंग फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, इस पर खास करके नज़र रखी गई है। इन्फ्लेशन का बैंड अगर देखें तो 2 से 6% नहीं मानकर 4% इज़ वॉट आरबीआई इज टारगेटिंग, और उसी पर नज़र बरकरार है।